हाय फ्रेंड, चलिए थालपोस बनाएंगे। उसके लिए उलन मेरा 4 प्लाई का है, क्रोशिया 4 नंबर का यूज कर रहे हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। हम पहले गाँठे लगा के ऐसे हम 5 चेन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 चेन करके हम राउंड कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 फिर डबल फंदे लेंगे हम, फिर ऐसे 1 2 ये ऊपर ही रखेंगे ऐसे, फिर डबल फंदे लेंगे हम, फिर इसमें से हम बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए ऐसे 3 ऐसे कर लिए, अब पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे हम। उसके बाद फिर यहाँ पर चेन करेंगे हम, 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें हम ऐसे 1 2 फिर ये ऊपर ही रखेंगे, फिर से 1 2 फिर से एक और बनाएंगे हम, 1 2 अब पूरा एक में ऐसे निकाल लेंगे हम। फिर यहाँ पर 5 चेन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करके ऐसे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर से 1 2 ऐसा हम 6 बनाएंगे, तो राउंड पूरा बना ले रहे हैं। तैयार होने के बाद से अब हम फिर आगे दूसरे कलर से बनाएंगे। ऐसे बना के हम बांध ले रहे हैं पहले, फिर 1 2 3 4 4 चेन कर लेंगे, फिर 1 2 3 3 फंदे लेंगे यहाँ पर ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे बन गया, फिर 1 2 2 चेन कर लेंगे, फिर 1 2 3 फंदे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 फिर 2 3 फंदे, फिर से 1 2 3 4 ऐसा, फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 फंदे, फिर एक और यहाँ पर 1 2 3 4 फिर यहाँ पर 3 फंदे, फिर से बना लेंगे 1 2 3 4 ऐसा। अब उसके बाद हम बीच में 1 2 2 चेन कर लेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाले में ऐसे ही 3 टाइम ऐसा बनाएंगे हम, जैसा ये बनाए हैं ऐसे 3 3 फंदे लेंगे हम और ऐसे बनाएंगे, फिर 2 2 चेन बीच बीच में करेंगे हम, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर बनाएंगे ऐसे, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चेन बीच में करेंगे, फिर 3 फंदे, फिर एक और यहाँ बना लेंगे हम, बीच बीच में 2 2 चेन करना है हमें ऐसे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर दूसरे वाले में बनाएंगे, फिर इस चेन में बनाएंगे ऐसे। तो हम पूरा राउंड में ऐसा ही बना ले रहे हैं, 2 2 चेन रहेगा बीच में और 2 2 4 क्रोशिया वाला एक एक पास रहेगा, तो हम ऐसा पूरा बना ले रहे हैं। बनने के बाद से अब हम फिर वाइट कलर से ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 2 2 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया यहाँ पर हम एक पास 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक पास 2 डबल क्रोशिया पूरे ऐसे हम बनाते जाएंगे, ये यहाँ तक पूरा हम ऐसे बना ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बना लिए, उसके बाद 1 2 2 चेन करके हम नीचे ऐसे यहाँ बांध लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन कर लेंगे, ये बराबर पे ही पूरा हम इसमें आ जाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक पास, फिर इधर ये जो बनाए हैं इसमें पूरे पे 2 2 डबल क्रोशिया पूरे पे बनाएंगे, और ये चेन बना के एक साइड से दूसरी साइड गए हैं, यहाँ पर 2 चेन करके ऐसे ही इधर से इधर आ जाएंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड में बनाना है, तो हम बना ले रहे हैं ऐसा। ये बनने के बाद से फिर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये 2 2 चेन जो बीच में किए हैं इसके सामने यहाँ पर बनाना है हमें,
तो हम पहले यहाँ पर ऐसे बांध लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो तीन चार, फोर चेन करेंगे, एक दो तीन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे बना लेंगे एक दो तीन ऐसे, फिर एक दो तीन फंदे, फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चार, फोर हुआ। फिर बीच में हम एक दो तीन चेन कर लेंगे मिडिल में, फिर एक दो तीन फंदे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर से हम एक दो तीन चार ऐसा, फिर तीन फंदे, फिर से एक बनाएंगे यहाँ पर ऐसे एक दो तीन चार हुआ। अब उसके बाद से हम एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे, और ये जो बनाए हैं इसके मिडिल में हमें ऐसे ऐसे पीछे साइड से ऐसे ये लगाएंगे क्रोशिया, या तो ऐसे उल्टा करके एक ये ऐसे एक ये जो बनाए हैं उसमें ऐसे पकड़ लेंगे हम, ऐसे लेके हम यहाँ पे बांध लेंगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे, ऐसे ये खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, फिर फाइव चेन करके हम फिर इसमें एक दो तीन तीन फंदे लेंगे, और फिर यहाँ बनाएंगे हम फिर से ऐसा सेम जैसे बनाए अभी, एक दो तीन चार, ये फाइव फाइव चेन करके देखिए ये वाला पकड़ के हम अंदर की तरफ बनाए हैं, इसे ऐसे खींचेंगे तो अंदर चला जाएगा, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर तीन हुआ ऐसे, उसके बाद फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन फंदे, फिर सेम ऐसा एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे, और फिर ये यहाँ पर हम फिर से पीछे साइड से ये वाला पे ऐसे ऐसे लेंगे, और ऐसे यहाँ पर ऐसे बांध लेंगे हम फाइव चेन करके, ऐसे ऊपर की तरफ खिसका देंगे तो दिखेगा भी नहीं, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करेंगे, फिर तीन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे सेम ऐसा ऐसा बनाना है, तो हम पूरा राउंड में बना ले रहे हैं ऐसा। देखिए ये पूरा बनने के बाद से फिर हम पिंक कलर से बनाएंगे। अब ये जो फाइव फाइव चेन की है इसमें हमें बनाना है सेम ऐसा ही ऐसे, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन, एक दो तीन चार, फिर दो चेन करेंगे, फिर एक दो तीन, फिर फंदे, फिर इसमें एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर एक दो तीन चार, फिर दो चेन, फिर एक दो तीन, फिर इसमें एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर एक दो तीन चार ऐसे, फिर एक दो दो चेन करेंगे, फिर तीन फंदे लेंगे, फिर दूसरा वाला ये फाइव चेन का जो बनाए हैं इसमें अब बनाना है हमें, एक दो तीन चार ऐसा, फिर एक दो तीन, फिर इसमें भी तीन पहले हम बना लेते हैं ऐसा, ये दोनों में बना के फिर उसके बाद से दो चेन फिर कर लेंगे हम ऐसा, टू चेन करेंगे, फिर एक दो तीन फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाला फ्लावर में जो है ये फाइव फाइव चेन का बना है इसमें अब हमें बनाना है ऐसे, फिर सेम यही चीज बनाएंगे हम, फिर दो चेन करेंगे ऐसे ही, थ्री इसमें भी बनाएंगे, उसके बाद दो चेन के फिर इसमें भी थ्री बनाएंगे, फिर दो चेन करके इसके इस साइड आके फिर इसमें भी बनाएंगे, सेम ऐसा बनाना है, तो पूरा राउंड में हम बना ले रहे हैं ऐसा। बनने के बाद से अब फिर सेम ये वाइट बनाए हैं जैसे, वैसा बनाना है अब हमें, तो हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे, फिर एक दो चेन फंदे लेंगे,
एक जगह दो डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे हर एक होल में ऐसे बनाए हैं, सेम टू सेम ऐसा बनेगा आप। फिर यहाँ भी दो डबल क्रोशिया बनेगा, तो यहाँ पर एक पहले बना लेंगे, फिर एक दो चेन करके ऐसे नीचे, फिर यहाँ पर एक दो दो चेन कर लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम, दूसरे वाले में चले जाएंगे, ये चेन किए हैं यहाँ पे, यहाँ छोड़ देंगे, फिर एक दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हो जाएगा एक पास, फिर फंदे लेंगे, फिर ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे हम, उसके बाद फिर सेम एक दो चेन करेंगे, जैसे यहाँ पर बनाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें बनाना होगा ये शेप आने के लिए। अब इस पर एक दो दो चेन करके फिर इसमें बनाएंगे हम, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाने में हमें ऐसे बनाना होगा। अब फिर ये पत्ती के ऊपर जाए हैं, वहाँ पर भी दो चेन करके ही इधर बनाना होगा, सेम टू सेम यहाँ ऐसे आप बनाएंगे। तो अब हम पूरा ऐसे ही बना ले रहे हैं। के बाद से फिर से हम ग्रीन कलर के सामने ग्रीन कलर बनाएंगे ऐसे, तब इसके सामने फिर से चालू कर रहे हैं ऐसे पत्ती यहाँ पे, फिर बना लेंगे हम ये ऐसे, पहले बांध लेंगे जैसे फर्स्ट बनाए हैं हम, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर सेम ऐसे ही बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन फंदे, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चेन, फिर एक दो तीन फंदे, फिर से ऐसा तीन बना लेंगे, एक तीन तीन फंदे लेके फोर क्रोशे को बनाएंगे, थ्री थ्री फंदे लेके हम ऐसे, ऐसे तीन वाला बनने के बाद से हम फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन कर लेंगे। अब इसमें फोर छोड़ेंगे, दो दो चार, ऐसे चौथे पे ऐसे हम ऐसे, यहाँ पर हमें तीन बनाना है इसलिए हमें ऐसे बनाना होगा, एक दो तीन चार पाँच, फिर इधर से इसे छोड़ के फिर यहाँ पर हम ऐसे, ये दो चार, जैसे इधर फोर नंबर पे बनाए वैसे ही इधर पे भी ऐसे बना लेंगे हम ऐसे। अब उसके बाद फिर से एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर तीन फंदे, फिर ये जो पत्ती के सामने है ऊपर इस पे बनाना है हमें पत्ती, एक दो तीन चार, फिर से एक दो तीन चार, देखिए थ्री हुआ ये, ऐसे ये थ्री है। उसके बाद से फिर फोर बनाएंगे, फिर फाइव, ऐसे अपने हिसाब से बड़ा करते जाएंगे और सेम स्टेप्स पूरा बनते जाएगा ऐसे। थ्री चेन बीच में फिर बनाए हम, फिर सेम वही, फिर ऐसा बना लेंगे हम, फिर ऐसे ही इसमें भी फोर फोर, इधर से फोर्थ नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, फिर ऐसे थ्री बनाएंगे, ये स्टेप्स पूरा फिर बना लेंगे ऐसे, पिंक कलर से, फिर वाइट कलर से बनाएंगे, फिर ग्रीन से बनाएंगे, सेम ऐसा बनाना है। तो अब ऐसे ही बनाते जाएंगे हम, अपना बड़ा करते जाएंगे अपने थाली के साइज़ का, जितना बड़ा चाहिए। देखिए हमने पूरा चारों तरफ से ये बना लिया है, हमारे थाली के साइज़ का ये हो गया है। आपको और बड़ा करना हो तो ये कर सकते हैं, सेम स्टेप्स है। देखिए पहले एक, फिर दो, फिर तीन चार पाँच, फाइव लाइन तक हम बनाए हैं ऐसे। आपको चाहिए तो और बड़ा बना सकते हैं, सिक्स सेवन, आपको जितना बड़ा आपके थाली के साइज़ का बना सकते हैं ये। और इसमें हम बीच बीच में फाइव फाइव चेन किए हैं जिस पे ये हम बनाए हैं। आपको अगर ये कम लगेगा तो फाइव से सेवन कर सकते हैं, अपना काउंट करके आप इसमें मेंटेन कर लीजिएगा पूरा। लेकिन स्टेप्स ऐसे ही बनेंगे जैसे ये बना है फाइव तक, उसके बाद सिक्स सेवन ऐसे बनेगा। तो ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।